हम समुच्चय के बारे में पढ़ रहे हैं, कक्षा 11वीं का पहला अध्याय। अब तक हम समुच्चय में पढ़ चुके हैं। समुच्चय की परिभाषा और उसको व्यक्त करने के दो रूप, वो हैं रोस्टर या सारणीबद्ध रूप एवं समुच्चय निर्माण रूप। आज हम समुच्चय के प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले इस उदाहरण को समझें। इस उदाहरण में आपको क्या बोला है? समुच्चय ए वह सारी प्राकृत संख्याओं का संग्रह है जो दोनों सम एवं विषम है। सम विषम यानी ऑड और इवन। ऐसी कोई भी संख्या है जो दोनों ही इवन और ऑड यानी सम और विषम दोनों हैं? नहीं, ऐसी कोई भी संख्या नहीं। तो यानी इस समुच्चय में एक भी सदस्य नहीं होगा। हां जी, यही हमारा पहला प्रकार है जिसे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय, जिसे हम शून्य समुच्चय भी कहते हैं। इसकी परिभाषा के अनुसार एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता उसे हम रिक्त समुच्चय या फिर शून्य समुच्चय कहते हैं। पहला उदाहरण हम पहले ही देख चुके हैं, समुच्चय ए का। अब इस समुच्चय बी में देखिए ये कैसा है। इसमें ये सारे संख्याएं आ रही हैं जो कि सम अभाज्य संख्याएं हैं और वे दो से बड़ी हैं। कोई भी अभाज्य संख्या जो कि दो से बड़ी है हम जानते हैं वे क्या होती हैं? विषम संख्याएं। यानी इस समुच्चय बी में एक भी सदस्य नहीं होगा और ये बी समुच्चय क्या बन जाएगा? एक रिक्त समुच्चय। अब इस समुच्चय सी के बारे में देखेंगे। इस समुच्चय में सारी वास्तविक संख्याएं हैं जो कि एक से बड़ी हैं एवं माइनस एक से छोटी हैं। हम जानते हैं कोई भी एक ऐसी संख्या एक साथ में एक से बड़ी और माइनस एक से छोटी नहीं हो सकती। यानी इस सी समुच्चय में एक भी सदस्य नहीं है। यानी ये सी एक रिक्त समुच्चय है। आखिरी देखेंगे उदाहरण समुच्चय डी का। इस डी के अंदर हमारे कैसे सदस्य आ रहे हैं? सारी परिमेय संख्या आ रही हैं एवं यह समीकरण यानी y की घात 2 माइनस 2 बराबर में 0 का हल होना चाहिए। यहां देखेंगे y का हल प्लस माइनस 2 का वर्गमूल है। और 2 का वर्गमूल क्या होता है? क्या वो परिमेय संख्या होती है? नहीं, वह अपरिमेय संख्या होती है। यानी d के अंदर भी कोई भी सदस्य नहीं है और यह एक रिक्त समुच्चय है। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि हम किसी भी रिक्त समुच्चय को कैसे संबोधित कर सकते हैं। ये प्रतीक आपको दिख रहे होंगे। हम किसी भी रिक्त समुच्चय को इस तरीके से यानी मंझले कोष्टक के अंदर कोई भी सदस्य ना दिखा के संबोधित कर सकते हैं या फिर इस प्रतीक से। इस प्रतीक को हम फी यानी फाई भी कहते हैं। आइए अब दूसरा उदाहरण समझते हैं। इस उदाहरण में जो कि समुच्चय ए है, कितनी संख्याएं दिख रही हैं यानी कितने अवयव हैं? 3, 1, 2 और 3। अब इस समुच्चय सी को देखिए जो 2 के गुणांकों का है। इसमें सदस्य कितने हैं? 2, 4, 6, 8, 10 और चलते जा रहे हैं। अनगिनत सदस्य है। यानी इसकी संख्या कितनी है? अपरिमित है। सही समझे। आप समझ रहे होंगे कि हमारा अगला प्रकार किस पे आधारित है। देखते हैं परिमित एवं अपरिमित समुच्चय जो कि संख्याओं पर आधारित है। किसके? समुच्चय के अंदर यानी कितने अवयव हैं एक समुच्चय में उसके ऊपर हमारा ये आधारित है अगला प्रकार। परिमित या फिर अपरिमित समुच्चय, परिभाषा के अनुसार एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं, अन्यथा हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। आइए अब हम इसके कुछ उदाहरण देखें। पहला उदाहरण समुच्चय ए का, जो कि हम देख चुके हैं कितनी इसके अंदर अवयवों की संख्याएं हैं? 3, 1, 2 और 3। ये कैसा समुच्चय है? एक परिमित समुच्चय है। दूसरा समुच्चय देखेंगे समुच्चय बी यानी सेट बी। इसके अंदर हमारे कैसे सदस्य आ रहे हैं? साल में आने वाले महीनों के वह नाम जो कि अंग्रेजी अक्षर एम से शुरू होते हैं और वे कौन कौन से होते हैं? मई और मार्च। कितनी संख्या मिल रही है हमें? 2, जो कि निश्चित है। यानी यह हमारा समुच्चय बी
कैसा समुच्चय है? एक परिमित समुच्चय है। अगले समुच्चय यानी सेट के को देखेंगे। इसमें हमारे सारे वृत्तों का संग्रह है जो कि केंद्रित है किस पे? शून्य शून्य पे। इस चित्र को ध्यान से देखिए बच्चे, आप क्या देखेंगे कि जैसे ही मैं हल्की सी त्रिज्या बढ़ाती हूं, हमें एक नया वृत्त मिलेगा। किस पे केंद्रित? शून्य शून्य पर ही, यानी हल्का सा त्रिज्या बढ़ाने पर ही एक नया वृत्त। तो यानी हमें कितने वृत्त मिलेंगे? अपरिमित संख्या में। तो ये सेट हमारा एक अपरिमित समुच्चय है। अब इस आखिरी समुच्चय को देखेंगे जो कि हमारा सेट डी है। ध्यान देंगे, ये हम पहले ही देख चुके हैं, ये डी सेट हमारा कैसा सेट है? एक रिक्त सेट है, यानी रिक्त समुच्चय। और परिभाषा के अनुसार जो रिक्त समुच्चय होते हैं वे किसमें होते हैं, यानी वे कौन से प्रकार के होते हैं? परिमित समुच्चय होते हैं। तो जो डी समुच्चय है वह एक परिमित समुच्चय है। आइए इसी पर एक प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि प्रत्येक सेट जो दिए हुए हैं उनमें से कौन सा सेट हमारा परिमित है और कौन सा अपरिमित। सबसे पहले देखेंगे समुच्चय एल में, ये रेखाओं का वह समुच्चय है जो एक्स अक्ष के समानांतर है। एक्स अक्ष, हम जानते हैं कि अगर यह हमारा एक्स अक्ष है तो इसके समानांतर हम अनगिनत रेखाएं बना सकते हैं, चाहे वह ऊपर हो चाहे वह नीचे हो। यानी इसकी संख्या जो है इस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। तो यह समुच्चय L कैसा है? अपरिमित समुच्चय है। अगला समुच्चय K को देखेंगे, अभाज्य संख्याओं का समूह जो 16 से कम है। तो जरा इसे हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं? 2, 3, 5, 7, 11 एवं 13। यानी ये हमारा क्या बना है? समुच्चय K। तो इसके अंदर हमें संख्या जो है अवयवों की वो निश्चित मिल रही है। तो यानी जो K समुच्चय है वह हमारा क्या है? परिमित समुच्चय। इसी प्रकार H को देखेंगे। अब H के अंदर सारी प्राकृत संख्याएं हैं जो 1 से बड़ी हैं पर 5.2 से छोटी हैं। सारी प्राकृत संख्याएं जो 1 से बड़ी हैं और 5.23 से छोटी कौन कौन सी होती हैं? वह 2, 3, 4 और 5। यानी कितने अवयव, कितने सदस्य मिलेंगे हमें इस H समुच्चय में? 1, 2, 3, 4, 4 मिल रही हैं। यानी ये H हमारा एक परिमित समुच्चय है। M समुच्चय को देखेंगे अब हम। एक वृत्त की परिधि पर सभी बिंदुओं का समूह वे क्या है? यानी एक अगर हम वृत्त लेते हैं तो उसके परिधि पे आने वाले सारे बिंदुओं का समूह ये अपरिमित होते हैं। और ये M हमारा इसी कारण अपरिमित समुच्चय है। B समुच्चय को देखेंगे, इसके अंदर सारे गुणांक आ रहे हैं किस संख्या के? 3। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं 2 के गुणांकों का समुच्चय वह क्या था? अपरिमित समुच्चय था। इसी प्रकार अगर हम इसको सारणीबद्ध करें तो हमारे पास क्या आएगा? 3, 6, 9, 12 और ऐसे ही संख्या चलती रहेगी। देखते ही आप समझ जाएंगे जो हमारा बी समुच्चय है वह क्या है? अपरिमित समुच्चय। इस ए समुच्चय को अब हम पढ़ेंगे। किसी भी दो समानांतर रेखाओं के लिए जो सामान्य बिंदुओं का जो संग्रह है या समूह, उसको हम ए समुच्चय में डाल रहे हैं। दो समानांतर रेखाएं यानी मान लेते हैं L और ये M, ये हमारी समानांतर रेखाएं हैं। हमें पता है जब भी दो समानांतर रेखाएं होती हैं वे कहीं भी नहीं मिलती, उनमें कोई भी समान बिंदु नहीं होता। तो यानी A के अंदर कोई सदस्य होगा? नहीं। A हमारा क्या है? एक रिक्त समुच्चय है। और हमने पहले भी पढ़ा है रिक्त समुच्चय एक परिमित समुच्चय होता है। तो A हमारा एक परिमित समुच्चय है।
अब इस आखिरी समुच्चय को देखते हैं, जी समुच्चय, जिसके अंदर सेट शब्द में आने वाले सारे स्वर। इसमें कितने स्वर आ रहे हैं सेट शब्द में? केवल एक, ई। तो यानी जी के अंदर हमारे कितने अवयव आ रहे हैं? एक। वो निश्चित संख्या है, यानी जी हमारा एक परिमित समुच्चय है। बच्चों ध्यान देंगे इस आखिरी उदाहरण पर, या आपको इस समुच्चय से एक नया प्रकार मिलेगा। देखेंगे, यदि समुच्चय में केवल एक ही अवयव हो तो उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है इस समुच्चय जी के अंदर इसमें कितने अवयव यानी कितने सदस्य थे? सिर्फ एक, ई। अगर हम इसे लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? ऐसे। और ये हमारा किसका उदाहरण है? एकल समुच्चय का। आइए अब हम आगे पढ़ें। अक्सर हम सोचते हैं हमने अलग अलग प्रकार पढ़े हैं किसके? समुच्चय के। पर कब हम कह सकते हैं कि दो समुच्चय जो हैं वो बराबर हैं, यानी समान हैं? यहां आप तीन समुच्चय देख सकते हैं। पहले हम इसे नामांकित कर देते हैं, ए, बी और ये सी। अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी, क्या समुच्चय ए और बी के बराबर है? तुरंत आप देखेंगे और बोलेंगे इसमें संख्या जो है वह तीन और बी में संख्या अवयवों की दो, तो यानी ये बराबर तो नहीं। बिल्कुल सही, ये बराबर नहीं है। तो क्या मैं ए और समुच्चय सी को समान कह सकती हूं? क्योंकि अब तो इन दोनों में संख्या बराबर है। फिर आप देखेंगे और बोलेंगे कि नहीं, ये फिर भी हमारी समान समुच्चय नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें हमें एक काली गेंद मिल रही है सदस्य में, और इसमें हमारी एक लाल कलर की जो गेंद है वो सदस्य है किसका? सी का। यानी ए और सी बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें समान अवयव नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे आगे समान समुच्चय के बारे में, यानी परिभाषा के अनुसार दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि उनमें तथ्यतः समान अवयव हों। और हम लिखते कैसे हैं? ए बराबर बी। अगर उसके कोई भी अवयव बराबर नहीं तो यानी वह समान समुच्चय नहीं कहलाते। उन्हें हम लिखते हैं ए नॉट इक्वल टू बी, यानी वो बराबर नहीं है। उदाहरण देखेंगे। पहले उदाहरण में देखेंगे ए के अंदर हमारे अवयव कितने दिए हुए हैं? चार। कौन कौन से? दो, आठ, छह और एक। बी के अंदर भी चार अवयव हैं, आठ, दो, छह और एक। सारे के सारे अवयव समान हैं। क्रम अलग है, पर हम पहले ही देख चुके हैं समुच्चय के अंदर क्रम मायने नहीं रखते। तो ए और बी हमारे समान समुच्चय हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे। समुच्चय डी के अंदर कितनी संख्याएं? चार संख्याएं। किसकी? अवयवों की। बी के अंदर केवल तीन अवयव हैं। तो संख्या से ही पता चल रहा है जो हमारा समुच्चय डी है वो बी के समान नहीं है। आखिरी उदाहरण यानी उदाहरण तीन में देखेंगे। एच के अंदर हमारे पास चार अवयव हैं, दो, आठ, छह और एक। और टी अवयव के अंदर भी हमारे चार अवयव हैं, आठ, चार, छह और एक। पर क्या हमारा एच टी के बराबर है? नहीं। कैसे? ध्यान देंगे, इसके अंदर यानी जो एच समुच्चय है उसमें दो एक सदस्य है, पर टी के अंदर दो सदस्य नहीं। ऐसे ही टी के अंदर चार एक सदस्य है, पर एच के अंदर चार सदस्य नहीं। यानी एच और टी के जो अवयव है वो समान नहीं है, इसीलिए एच और टी समान समुच्चय नहीं है। आइए इस पे एक सवाल करें। इसके अंदर प्रश्न में हमें क्या करना है? कॉलम बी में कुछ समुच्चय दिए हुए हैं और कॉलम ए के अंदर भी हमें कुछ समुच्चय दिए हुए हैं,
कॉलम बी में से हमें समुच्चयों का चयन करना है कॉलम बी ए में से जो कि बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम समझते हैं कि कौन कौन से समुच्चय दिए हुए हैं और उन्हें हम आसान तरीके से पहले लिख लेते हैं। तो आइए कॉलम ए में देखें। ए समुच्चय कैसा समुच्चय है, अक्षर है शब्द सेट के अंदर। तो इसे हम जरा रोस्टर रूप में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, एस ई और टी, ठीक। अब इस समुच्चय बी में देखेंगे। इस समुच्चय बी में वह सारी प्राकृत संख्याएं आ रही हैं जो इस गुणधर्म को पूर्ण कर रही हैं। इस गुणधर्म के अनुसार आप देखेंगे यह गुणधर्म हमारा क्या बना, x माइनस वन की घात दो जो कि छोटी है जीरो से। आप इसमें देखेंगे यह गुणधर्म में अगर हम x का कोई भी मान धरें उसके अंदर वह कभी भी हमारी जीरो से छोटी नहीं पाएगी। एक भरेंगे तो जीरो के बराबर, दो भरेंगे तो जीरो से बड़ी, यानी b हमारा क्या है, एक रिक्त समुच्चय। तो इसे हम यहां लिख लेते हैं, यह हमारा किसके बराबर हो गया, एक रिक्त समुच्चय के बराबर। अब अगला समुच्चय d, ये क्या है, वह सारे सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या, सम यानी इवन, अभाज्य यानी प्राइम। तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, हम जानते हैं वह दो होता है। तो ध्यान देंगे d हमारा क्या बना, एक एकल समुच्चय जिसके अंदर सिर्फ एक ही अवयव है और वो क्या है, दो। e हमें प्रत्यक्ष ही गिवन दिया हुआ है कि इसके अंदर सदस्य कैसे हैं, कुछ संख्याएं और वे क्या हैं, 2, 8, 6, 10 और 4। आइए अब हम समुच्चय पढ़ते हैं जो कि हमें कॉलम बी में दिए हुए हैं। इस समुच्चय एल को देखेंगे। इस समुच्चय में सारे सम धन पूर्णांक जो 10 संख्या से छोटे हैं, सम यानी इवन, धन यानी पॉजिटिव। तो हमें सारे धन सम धन पूर्णांक की संख्या देखनी है। तो वे क्या आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, लिखें हम अगर इधर तो 2, 4, 6, 8 और 10 धन यानी पॉजिटिव। तो इसीलिए हम -2 नहीं लेंगे, यानी -2 नहीं लेंगे। तो L हमारा ये समुच्चय बना। M समुच्चय को देखेंगे, अभाज्य संख्या है जो 16 को विभाजित करती है। 16 को सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या विभाजित करती है, वो है 2। तो यानी M भी हमारा एक एकल समुच्चय बना। अब इस N सेट को देखेंगे, इसमें हमें कुछ अक्षर दिए हुए हैं S, E और T। P हमारा वह समुच्चय है जिसके अंदर प्राकृत संख्या आ रही है और इस समीकरण का हल भी है। इस समीकरण को हल करेंगे तो हम देख सकते हैं जो P है हमारा वह एक एकल समुच्चय बन रहा है जिसके अंदर इसका सदस्य एक है, और जो Z है वह हमारा एक रिक्त समुच्चय है। तो अब हमने सारे समुच्चय पढ़ लिए हैं कॉलम A में भी और कॉलम B में भी। जरा इस चित्र को अब समझेंगे, गौर से देखिए इस चित्र को। इसके अंदर दो समुच्चय मैंने दिए हैं, ये पहला समुच्चय m और मान लेते हैं ये दूसरा समुच्चय जिसका नाम n है। क्या m और n में आप कोई संबंध देख सकते हैं, m के अंदर भी कुछ रंगीन गेंदे हैं और n के अंदर भी कुछ रंगीन गेंदे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जो n के सदस्य हैं वे सारे के सारे m के भी सदस्य हैं। जी हाँ, हम इन सदस्यों के बारे में यानी इन समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे जिसके सारे सदस्य किसी दूसरे समुच्चय के सदस्य होते हैं। उन समुच्चय को हम उप समुच्चय कहते हैं। परिभाषा के अनुसार यदि समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b का भी एक अवयव है
तो मैं A को B का उपसमुच्चय कहूंगी। लिखने के तौर में हम इस तरीके से लिखेंगे, A उपसमुच्चय है B का यदि कोई भी अवयव अगर मैं समुच्चय A में से लूं तो वो B समुच्चय का भी एक सदस्य होगा। इसको हम किस तरीके से संबोधित करते हैं, आप देख सकते हैं प्रतीक को कैसे दर्शाना है। A अगर मेरा समुच्चय है तो मैं इस प्रतीक से इसको दर्शाती हूं, और अगर ये उपसमुच्चय नहीं है तो मैं इस तरीके से इसे दर्शाती हूं। ठीक, आइए इसके कुछ उदाहरण देखें। उदाहरण आप देख सकते हैं 12 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का। ये इसका समुच्चय क्या बनेगा अगर हम बनाना चाहें तो? आप देखेंगे इसका समुच्चय 2 और 3, ये सदस्य बनेंगे इस समुच्चय के। अगला समुच्चय हमें क्या दिया हुआ है, 12 के सभी गुणनखंडों का समुच्चय, यानी 12 के सभी गुणनखंड जो फैक्टर्स हैं उसका अगर मैं एक संग्रह बनाऊं तो क्या बनेगा, 1, 12, 2, 6, 3 और 4, ये बना। अब आप देख सकते हैं ये समुच्चय L समुच्चय M का उपसमुच्चय है। क्यों? क्योंकि इसके जो सारे सदस्य हैं 2 और 3 वो M के भी सदस्य हैं। देख सकते हैं ये आ रहे हैं। ठीक, अगला उदाहरण, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर AEIOU, वे क्या हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का जो समुच्चय है उसका उपसमुच्चय है। तो आइए सारांश में देखें आज हमने क्या क्या पढ़ा। रिक्त समुच्चय, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता। एकल समुच्चय, एकल नाम ही बता रहा है जिसमें हमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही अवयव होता है, किसके अंदर, समुच्चय में। परिमित एवं अपरिमित समुच्चय, एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं, अन्यथा अपरिमित समुच्चय। समान समुच्चय, दो समुच्चय A और B समान कहलाते हैं यदि उनमें तथित समान अवयव हो, अन्यथा असमान समुच्चय कहलाते हैं। उपसमुच्चय के बारे में भी हमने आज पढ़ा, यानी समुच्चय A समुच्चय B का एक उपसमुच्चय कहलाएगा यदि समुच्चय A का अवयव समुच्चय B का भी एक अवयव है। आशा करते हैं आज की इस कक्षा में और भाग में आपको आनंद आया होगा और समझ में आया होगा। धन्यवाद।